तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कल से अब तक का ये वक्त किस मुश्किल से काटा है मैंने। अंदाजा भी है और हैरत भी। इतने टेक्स्ट तो तुमने मुझे कभी जिंदगी में नहीं किए जितने तुम कल से अब तक कर चुके हो। मैं वाकई मिस कर रहा था तुम्हें, बहुत कुछ बताना है। पूछ सकती हूँ कि आज किस रिश्ते से बताना चाह रहे हो? उस रिश्ते से जिस रिश्ते से तुम यहाँ आके बैठी हो। टीना मैंने तुमसे कहा था ना कि हर रिश्ते को थोड़ा वक्त लगता है। एनीवे, भाई से क्या कहता था? ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये भी कि उस सरिश्पा ने क्या क्या बातें की थी मेरे बारे में। क्या भाई ने क्या कहा? उन्होंने तो यकीन भी कर लिया था मेरी बात में, लेकिन फिर लेकिन क्या फिर मेरी मुलाकात उनसे दोबारा हो गई भाई चार्ल्स। मैंने उनको सब बता दिया कि वो सब बातें गलत थी। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी सारे, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। मुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ सच सुनना। फिर मैं अलिश्बा से मिली थी, समन की बातों से मुझे ये लगा था कि तुम अलिश्बा के साथ उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। और मुझे लगा कि तुमने जो भी अलिश्बा के बारे में बातें की है सब झूठ है, जिस पर मैंने उसकी इंसल्ट भी की थी। फिर मैंने जाके अलिश्बा से सॉरी कर लिया और तुम्हारे भाई को भी जाके कह दिया कि सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पे कहा था। सारे, I'm really sorry. मुझे यकीन हो गया अब कि वो किस तरह की लड़की है। थैंक गॉड तुम्हें यकीन तो हुआ। By the way, अब कैसे यकीन आ गया तुम्हें इस बात का? सब जानती हूँ मैं, समन ने सब कुछ बता दिया मुझे। क्या बताया उसने? तुम्हें पता है वो उस फारिस में भी इंटरेस्टेड है, उसके साथ अभी तक कांटेक्ट में है। Exactly. यही तो मैं भी तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन अलिश्बा के बारे में जो कुछ भी समन ने तुम्हें बताया वो इनकम्प्लीट है। अलिश्बा बहुत अजीब लड़की है, बद किरदार है वो। तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि अलिश्बा ने तुम्हारे खिलाफ क्यों बातें की थी? और मैंने सिर्फ ये कहकर तुम्हें टाल दिया था कि वो अपनी दोस्त की शादी मुझसे कराना चाहती थी, जो मैंने नहीं की। मगर सच कुछ और है। क्या मतलब? सच क्या है? अलिश्बा मुझ में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि वो मुझे फंसा नहीं पाई तो फारिस के पीछे लग गई। इस तरह ना जाने कितने लड़कों को उसने अपनी जाल में फंसाया। एकदम साइको लड़की है वो। तो ऐसी लड़की से शादी क्यों करवाई तुमने अपने भाई की? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन रोक नहीं सका भाई को, उसका असल रूप नहीं दिखा सका। और दिखाता भी तो कैसे, शर्म आ रही थी ये बातें करने से। हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ऐसी बातें डायरेक्ट एक दूसरे को नहीं बोल सकते। सोच भी नहीं सकती एक लड़की इस हद तक गिर सकती है। जब से वो हमारे घर में आई है मेरी जिंदगी अजाब की हुई है उसने, अब वो इंतकाम ले रही है मुझसे। तुम्हें पता है मैं अपने घर पे नहीं रह रहा, अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। उसने मुझे मेरे अपने भाई की नजरों में गिरा दिया। माय ब्रदर डजंट इवन वांट टू सी माय फेस। बस इसीलिए डांट दिया था मैंने तुम्हें उस दिन कि तुम मेरे घर पे क्यों। सॉरी मैं उस दिन तुम्हें ये सब नहीं बता पाया। It's okay, Sara. I'm sorry. मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। It's okay. अच्छा, मुझे देर हो रही है, मामा मेरा वेट कर रही होंगी। मैं चलती हूँ। ठीक है।
I love you. I love you a lot.